अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। आज एक नई वीडियो के साथ फिलाइन पैन ल्यूकोपीनिया के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि नाम से जाहिर है कि फिलाइन एक कैट्स की डिजीज है जो कि पूरी बॉडी पे अफेक्ट करती है। फिलाइन पैन ल्यूकोपीनिया क्या है, ये कैसे स्प्रेड होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं आज आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा फिलाइन पैन ल्यूकोपीनिया के बारे में। चले आइए स्टार्ट करते हैं। फिलाइन पैन ल्यूकोपीनिया, फिलाइन पैन ल्यूकोपीनिया एक कंटेजियस और डेडली वायरल डिजीज है। कंटेजियस मीन्स कि जो एक डिजीज किसी डिजीज एनिमल से किसी हेल्दी एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर हो उसको हम कंटेजियस कहते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स के जब एक जरासीम बॉडी के अंदर एंटर होता है वो अपने साइन एंड सिम्टम्स को शो करता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 7 days है। ये भी ऑलमोस्ट पार्वो से बिल्कुल मिलती जुलती ही डिजीज है। इसका मोर्टेलिटी रेट है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% है। फ्लाइन पैन ल्यूकोपीनिया कैसे स्प्रेड होता है? फ्लाइन पैन ल्यूकोपीनिया ऑरल कॉन्टैक्ट के जरिए जो डिजीज्ड एनिमल है उसके यूटेंसिल्स वगैरह यानी वाटर वगैरह उसका फूड इस्तेमाल करने से, उसके फीसिस को, उसके यूरिन को लीक करने से भी हो सकता है। अगर आपका कोई एनिमल ऑलरेडी फ्लाइन पैन ल्यूकोपीनिया से सफ़र कर रहा है, अगर आप हेल्दी एनिमल को उसके पास लेकर आते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि FEV वहां पे फैल जाए। और साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो एनिमल बिल्कुल लेथार्जिक हो जाते हैं। एनोरेक्सिया मीन्स के जो उनकी एपिटाइट है वो कम हो जाती है। फीवर 103.5 to 106 तक हो सकता है। एनिमल वीक होना शुरू हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। इसके अलावा वॉमिटिंग और ब्लडी मोशन वगैरह शुरू हो जाते हैं। समटाइम नर्वस साइंस भी अपीयर हो सकते हैं। उसके अंदर इनकोऑर्डिनेशन होती है कि अनकोऑर्डिनेशन होती है कि एनिमल जो उनके चलने का गेट है वो नॉर्मल नहीं रहता, एनिमल का पोस्चर नॉर्मल नहीं रहता। एनिमल ऐसा ऐसा उसका जो कोट है वो रफ होना शुरू हो जाता है। मेनली जो मोस्टली किटन्स हैं वो इसलिए डेथ की तरफ जा रहे होते हैं कि उनका जो डिहाइड्रेशन लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली जब पानी की कमी होगी, एनिमल वीक होगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो उसकी वजह से उसकी डेथ की रेशो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस हमेशा उसके साइन एंड सिम्टम्स की बेस पे होता है कि उसके साइंस क्या है, लाइक एनिमल प्रॉपर वैक्सीनेटेड था या नहीं था, अगर है भी तो किस हिसाब से वैक्सीनेशन हुई हुई थी, उसके मेन साइंस यानी उसके ब्लडी डायरिया, उसकी वॉमिटिंग, उसकी वीकनेस वगैरह उसकी बेसिस पे किया जाता है। सेकेंड आप एंटीजन टेस्ट किट से भी उसका टेस्ट कर सकते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। थर्ड आप ब्लड CP करें, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स देखने के बाद ये पता चल जाता है उसके साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से और उसकी जो ब्लड CP की रिपोर्ट है उसके हिसाब से। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट हमेशा इसके अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे होता है। यानी उसको मोशन लगे हुए हैं तो एंटी जो डायरियल मेडिसिन है वो दी जाती है, वोमिटिंग के लिए एंटी इमेटिक्स दिए जाते हैं, मल्टी वाइटामस दिए जाते हैं। ऑब्वियसली एनिमल कुछ भी नहीं खा रहा होता तो उसको ड्रिस पे रखा जाता है, एटलीस्ट 3 to 7 days तक उसको ड्रिस पे रखा जाता है ताकि आपका एनिमल बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन की तरफ आ सके, उसको सर्वाइवल की तरफ जा सके, उसका बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ड्रिप्स लगाई जाती हैं। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो प्रिवेंशन हमेशा इसकी वैक्सीनेशन के ज़रिए ही होती है। हमेशा अपने किटन को, अपनी कैट्स को वैक्सीनेट करवाएं कि वो प्रॉपर वैक्सीनेशन अगर उसकी हुई हो तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि डिजीज़ ना आए। तो अगर आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं तो ख़ुद कभी भी ना ट्राई करें, कभी ख़ुद ट्राई करने से अक्सर अवकात आपको उसके शेड्यूल का नहीं पता होता, आपको नहीं पता कि कौन सी वैक्सीन किस टाइम पे किस वक्त लगेगी और आपने इसको डिवर्म किया भी है या नहीं है, उसका पैरासिटिक लोड क्या है। हमेशा किसी ऑथराइज वेट के पास जाएं, उसको वैक्सीनेट करवाएं ताकि आपका एनिमल इस ख़तरनाक बीमारी से बच सके। आप इन केस अगर कोई डिजीज एनिमल आपका ऑलरेडी किस घर में था वो सर्वाइव कर चुका है लेकिन उसका वायरस फिर भी उस एरिया में रहता है, क्योंकि जो फ्लाइन पैन ल्यूकोपीनिया का वायरस है वो काफ़ी रेजिस्टिव होता है, वो काफ़ी अर्से तक यानी ऑलमोस्ट मंथ्स तक, 6 months to 12 months तक उस एरिया पर शेड कर सकता है, वहाँ पे ज़िंदा रह सकता है। बेशक आप डिटर्जेंट्स वगैरह जो नॉर्मली हम घर में इस्तेमाल करते हैं, फिनाइल या डिटॉल वगैरह, उससे अगर साफ़ भी करें तो वो
100% इरेडिकेट नहीं होता। इसको इरेडिकेट करने के लिए जस्ट डाइल्यूटेड ब्लीच ही इस्तेमाल की जाती है, 132 की रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म एल्डिहाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूटर एल्डिहाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको इजीली किसी भी जो शॉप्स होती हैं वहाँ से मिल जाएगी। इसको एरिया को अच्छे तरीके से क्लीन करें, उसके जितने भी बर्तन हैं उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें, ताकि जो आने वाला आपका कोई किटन है या कैट है उसको ये बीमारी ना लगे। जब भी कोई आप नया किटन लेकर आते हैं या कोई कैट लेकर आते हैं तो हमेशा उसको वैक्सीनेट करवाएं पहले, फिर उस जगह पे छोड़ें, ताकि मिनिमम चांस हो कि आपके जो नया किटन है या कैट हो उसको ये डिजीज़ हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है और आप किस डिज़ीज़ या किस मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।